हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान का कराची शहर जल उठा है। 10,000 लोगों की भीड़ ने वहां पहले आग लगाई, फिर तोड़फोड़ की, बैंक और एटीएम को भी लूट लिया। कराची की तस्वीरों को देखकर लगता है मानो ये पाकिस्तान नहीं सीरिया का कोई शहर है। कराची में गृह युद्ध जैसे हालात क्यों हैं? वहां पर आग किसने लगाई और जब कराची जल रहा था तो इमरान क्या कर रहे थे? यही है आज की स्पेशल रिपोर्ट। या अल्लाह पाक खैर करे यार। कराची में बेकाबू भीड़ ने टाउनशिप को आग लगा दी। ये देखें, हमारा पूरा बैरियर टाउन का गेट जला दिया गया है। ये कौन सा सिंध का कल्चर है? ये कौन से सिंध की आवाम है जो कि ऐसे करने की इजाजत देती है? इन लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सड़कों पर गाड़ियों को जला दिया। हाउसिंग सोसाइटी की कई दुकानों में तोड़फोड़ की। ये सर बैरियर टाउन कराची के अंदर पिज्जा हट काल देख लें। ये पिज्जा हट, ये यहाँ से मेन एंट्रेंस काल देख लें। या अल्लाह पाक खैर करे यार। कार के शोरूम को आग लगा दिया। या अल्लाह पाक खैर करे यार। पुलिस की गाड़ियां लगातार इधर से उधर दौड़ती रही। एक दो प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हजारों लोगों की भीड़ के सामने पुलिस के जवान कुछ नहीं कर पाए। भीड़ ने इसका फायदा उठाकर दो बैंकों के एटीएम को भी लूट लिया। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में दिन भर दंगे जैसा माहौल रहा। लूटपाट और आगजनी की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। कराची के बहरिया टाउनशिप पर 10,000 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। इस अटैक के बाद आई ड्रोन की तस्वीरें देखकर लगा मानो कराची में गृह युद्ध हो रहा है और वहां सीरिया और फिलिस्तीन जैसे हालात बन गए हैं। कराची से आपको अहम खबर दें, सुपर हाईवे पर कायम हाउसिंग स्कीम पर मुजाहिरीन का धावा, दुकानों और गाड़ियों को आग लगा दी, मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है करोड़ों का सामान जल गया है। बहरिया टाउन कराची में मुश्ताइल अफराद ने हमला कर दिया, टाउन के मरकजी दरवाजे को आग लगा दी। मुश्ताइल अफराद ने गाड़ियों का शोरूम भी जला दिया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सुपर हाईवे को बंद कर दिया। ये आग देखकर पाकिस्तान शर्मिंदा हो गया। लगातार जल रही आग से इतना धुआं निकला कि वो कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई दिया। ऐसा लगा कि मानो किसी फाइटर जेट ने कराची पर बम बरसा दिए। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो पूछने लगा कि जब कराची में आग लगी तो इमरान खान क्या कर रहे थे? क्या कप्तान साहब को ये तस्वीरें दिखाई नहीं दी? जो है सिंध की आवाम का रिएक्शन है, आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सिंध की आवाम को, आज सिंध की आवाम की आंख खुली है। ये सिर्फ एक मैसेज है, पाकिस्तान रियासत को मैसेज है। हम पूरी सिंध से आए हुए हैं। हमारा मुतालबा है कि जो मलक रियाज नाजायज तौर पे हमारी सिंध की ज़मीनों पे कब्जा कर रहा है, जो बैरिया टाउन बना रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हुकूमत को चाहिए, सिंध गवर्नमेंट उसके साथ मिली हुई है। इन लोगों के गुस्से में दो बातें कॉमन है। पहला, इन्होंने पाकिस्तान की सरकार को कराची में एक ट्रेलर दिया है, इसकी असली पिक्चर अभी बाकी है। और दूसरा, किसी मलिक रियाज ने इनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। मलिक रियाज कौन है? इसका पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से क्या संबंध है? ये आपको आगे बताएंगे। पहले देखिए कराची में दंगे की शुरुआत कैसे हुई। हालात की गुंडागर्दी से चलो, आओ हमारे साथ चलो, हाथों में लेकर हाथ चलो, आओ हमारे साथ चलो।
आवाम कराची के बहारिया टाउन से आजादी चाहती है, जिस तरह पाकिस्तान ने सिंध पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, ठीक उसी तरह बहारिया टाउन भी जबरन कब्जा करके बनाया गया है। इस टाउनशिप को बनाने के लिए यहाँ के लोगों से उनकी जमीन छीन ली गई, जबरदस्ती उनको हटा दिया गया। इसलिए जब बहारिया टाउन का विरोध शुरू हुआ तो सिर्फ कराची ही नहीं, सिंध के दूसरे इलाकों से लोग भी पहुंच गए। कंटेनर और जो रुकावटें लगाई थी वो हटाई गई, उसके बाद फिर जो 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 बहरिया टाउन के जो प्राइवेट सिक्योरिटी थी वो यहाँ से भाग गई, क्योंकि बड़ी तादाद में दोनों तरफ से पुलिस के अमले ने खुद ये कंटेनर के शीशे तोड़े हैं। हमारे पास प्रूफ है, वीडियो है। देखिए, इनका ये कहना है कि जो ये शीशे तोड़े गए ये पुलिस वाले ने खुद तोड़े हैं, और उसके बाद फिर और उसके बाद यहाँ अब भी कुछ पुलिस वाले मौजूद हैं, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा तादाद में यहाँ शहरी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से हैं। ये सिंध की आवाम की जमीन है, हजारों सालों से सिंधी इधर के मालिक हैं। यहाँ पे कब्रिस्तानों के ऊपर ट्रैक्टर चला के उसके ऊपर ये बिल्डिंगें बनाई गई हैं, जो सिंध की आवाम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, और इसमें वफा का हाथ है। सही है, ये एक छोटा सा मैसेज है पाकिस्तान रियासत को, सिंध गवर्नमेंट को, हम सबको ये बताना चाहते हैं कि सिंध ऐसे मंसूबे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। कराची पुलिस का दावा है कि बहारिया टाउन का विरोध करने के लिए लगभग 10,000 लोग पहुंच गए। इस भीड़ ने पहले तो टाउनशिप के बाहर सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, लेकिन थोड़ी देर में ही सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। साल 2015 में बहारिया टाउन को बनाने की शुरुआत हुई थी। इतने सालों से सिंध की आवाम ने अपने गुस्से को दबा कर रखा, और 6 मई को जब वो गुस्सा सामने आया तो हर तरफ बर्बादी नजर आई। सबसे पहले अंडरपास को निशाना बनाया गया, फिर भीड़ टाउनशिप के अंदर चली गई। यहाँ पर आग लगी हुई है और देख सकते हैं ये दूर दूर तक नजर आ रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं है, लावारस छोड़ दी गया है इसको। ये देखें, जो स्ट्रीट लाइट थे वो भी तोड़े गए हैं और यहाँ पर फेंक दिए गए हैं जो पार्क में लगे थे। ये देखें, तो मुजाहिरीन बड़ी तादाद में अंदर घुस आए हैं। ये आग डस्टबिन को आग लगा दी गई थी। भीड़ को अच्छे से पता था कि उसे कहां और कैसे हमला करना है। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा तोड़ा गया ताकि आगे कोई सबूत ना मिले। इस बीच कुछ लोग मेन गेट तक पहुंच गए। बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने मेन गेट को कंटेनर से सील कर दिया था। वहां मौजूद पुलिस ने हजारों लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की, इसलिए सबसे पहले मेन गेट को ही आग के हवाले किया गया। फिर प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर हाउसिंग सोसाइटी में घुस गए। इसके बाद भीड़ के सामने दुकानें, ऑफिस, कार, शोरूम सहित जो कुछ भी मिला उसे जला दिया गया। एक कार शोरूम और फास्ट फूड ज्वाइंट को भी आग के हवाले किया गया। कुछ घंटे बाद जब बहरिया टाउन के लोग वापस पहुंचे तो उनके लिए इस जगह को पहचानना भी मुश्किल था। हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि 20-25-30 हजार लोगों ने हम पर एट ए टाइम हमला किया है। यहाँ पर फैमिलीज हैं, आप ये देखें, ये दिखाएं जरा, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग लूट कर लेके गए हैं। कहाँ थी रिट, कहाँ थी पुलिस, कहाँ थी रेंजर्स? हमारा पूरा प्लाजा, यहाँ हमारे प्लाजा जला दिए हैं। सलीम प्लाजा चल रहा है, आग की शोले हैं, यहाँ पर कोई सुनने वाला सुनवाई नहीं है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने किसी तरह 6 जगहों की आग बुझाई। प्रदर्शनकारियों ने 2 ATM लूट लिए। कुछ देर बाद पुलिस ने किसी तरह भीड़ को तितर बितर किया, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। ये अशर है लोगों को रोजी देने का, ये हाल है लोगों के साथ काम करने का, ये असर किया लोगों, ये हाल किया है। जो लोग यहाँ पे हक हलाल की अपनी रोजी कमा रहे हैं ना, उनके साथ ये हाल किया है लोगों ने। बहरिया टाउन की तस्वीरें खौफनाक हैं, लेकिन इस नुकसान से बहरिया टाउन बनाने वालों का गुनाह कम नहीं होगा। आरोप है कि इसे बनाने वालों ने आवाम की जमीनें छीन ली। बहुत से लोगों को आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला, यानी ऐसे लोगों के पास अब ना तो जमीन है और ना ही पैसे। पाकिस्तान में कहा जाता है कि बहरिया टाउन अपने आप में एक रियासत है और इसके वजीर आजम है मलिक रियाज। इसका रसूख पाकिस्तान की सभी पार्टियों और सेना के बड़े जनरलों तक भी है, इसलिए सिस्टम मलिक रियाज के खिलाफ कभी एक्शन नहीं लेता। आवाम ने बदला लेने के लिए बहरिया टाउन में आग लगा दी, और पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो भीड़ के इस हमले को सही मानते हैं। वाह, और कुछ भी नहीं है, बस कुछ तोड़फोड़ की वीडियोज आई है, कुछ बैंक जला दिए गए, ATM मशीनें लूट ली गई। ये हुआ है उस जगह पर जिसने अगर बहुत सारे लोगों को छत दी है, बहरिया टाउन की बात कर रहा हूं मैं,
तो बहुत सारे लोगों से उसका सब कुछ छीन भी लिया है। लोग अब ये पूछ रहे हैं कि इस सारे मामले के ऊपर मीडिया कहां था, इस सारे मामले के ऊपर मीडिया ने, पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसने रिपोर्टिंग क्यों नहीं की। लोग ये पूछ रहे हैं कि मलिक रियाज क्या मुकद्दस गाय है मुल्क की, और उनके पीछे जो है वो कौन है, और मीडिया क्यों इस हवाले से खामोश है। मलिक रियाज को पाकिस्तान का कोई नेता छू भी नहीं सकता। उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। आवाम ने कप्तान साहब से मलिक रियाज की शिकायत की थी, लेकिन हमेशा की तरह ऐसी शिकायतों का कोई नतीजा सामने नहीं आया। फौजी रिटायर आदमी हूँ, सारी पूंजी मैंने 10 साल पहले प्लाट लिया था बैरिया करेची में, और 10 लाख का लिया था और 27 लाख इंस्टॉलमेंट जमा कराई है, और उसके बाद फिर इन्होंने 2018 में हमें ना प्लाट दिया ना पैसे दिए। जी मैं आपका पूरा नोट कर लेना प्लीज, इनका नाम पता सब कुछ, इंशाल्लाह मैं ये आपके लिए पूरी हमारी गवर्नमेंट आप कोशिश करेगी आपको प्लॉट आपका या आपको पैसे वापस दिलवाने का। लेकिन मैं आपके सामने एक चीज कहना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ा हमारे मुल्क में इस वक्त अजाब है लोगों के लिए, वो है कब्जा माफिया। और इस कब्जा माफिया की ताकत के आगे इमरान की भी नहीं चलती। इमरान ने अपनी आवाम के लिए सिटीजन पोर्टल पर कब्जा माफिया के नाम से एक अलग सेगमेंट बनवा दिया है, लेकिन कप्तान साहब ने अगर ऐसे कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन लिया होता तो पहाड़िया टाउन में आगजनी नहीं होती। इमरान का दावा है कि पिछले 2.5 सालों में उनकी सरकार ने 450 अरब रुपए की सरकारी जमीन छुड़वाई है। इमरान ने बड़ा भरोसा दिया था अपनी आवाम को, लेकिन शिकायत मिलने के बाद भी वो मलिक रियाज के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। मशहूर भी, जानी मानी शख्सियत भी हैं, किंग मेकर कहलाते हैं। मलिक रियाज साहब के हवाले से ये बात मशहूर है कि वो एक आम ठेकेदार थे और कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम था शुरू में, और एक छोटे मोटे से काम उनको मिलते थे। फिर देखते ही देखते वो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो गए, ना सिर्फ ये कि अमीर तरीन लोगों में बल्कि किंग मेकर बन गए। लेकिन सरकार, पुलिस और पूरा सिस्टम ऐसे कब्जा माफिया को सपोर्ट करता है, यहां तक कि इमरान की पार्टी भी ऐसे लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट देती है। इसलिए पिछले 6 सालों से बैरिया टाउनशिप के मुद्दे पर सिंध की आवाम अकेले ही जंग लड़ रही है। साल 2015 में बहरिया टाउनशिप को 44,000 एकड़ जमीन अलॉट की गई। इसमें 60,000 से अधिक लोग काम करते हैं, और इसे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी टाउनशिप में एक माना जाता है। हालांकि इस टाउनशिप के आसपास की जमीनों पर कब्जा करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ऐसी खबरों पर कोई सुनवाई नहीं होती है, और सरदारी से लेकर इमरान खान तक किसी ने भी मलिक रियाज को छूने की कोशिश तक नहीं की। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी जगह बनी, अदालतें तक तो है नहीं जो मलिक रियाज के खिलाफ फैसला दे रहे हैं। एक जमाने से बहरिया टाउन के हवाले से खबरें आती हैं, चैनल्स उसको नशर नहीं करते। मलिक रियाज के खिलाफ कोई चीज रिपोर्ट क्यों नहीं होने पाती? कौन सा चैनल है जो मलिक रियाज के तसरुफ से बाहर है? जवाब है इसका कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। पाकिस्तान के पत्रकार खुद कहते हैं कि वहां के कई मीडिया हाउस भी मलिक रियाज के इशारे पर चलते हैं, यानी कब्जा माफिया की खबरें पाकिस्तान के अखबारों में छपने से पहले ही सेंसर हो जाती हैं। तो जियो टीवी के एक दोस्त रिपोर्टर हैं हमारे, उन्होंने एक निजी बैंक के ऊपर एक रिपोर्ट बनाने की कोशिश की, तो रिपोर्टर साहब वहां पर अपनी कैमरा टीम लेकर उस निजी बैंक में चले गए। अच्छा, रिपोर्टर साहब जब वहां पर पहुंचे, उन्होंने रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, तो उन जियो के उन रिपोर्टर को बैंक वालों ने अपने पास बिठा लिया और उन्हें कहा, उनका कैमरा शैमरा भी छीन लिया, बल्कि कैमरा तकरीबन टूट गया मुझे। और मामला यह था कि बैंक के जो मालकान थे, उन्होंने डायरेक्ट चैनल के मालकान से राबता कर लिया, और उन्होंने उनको कहा बाकायदा कि हमें बाद में हमें सुनने में आया, पता चला, कहा कि हम तो आपको इश्तिहारात देते हैं, ये क्या तरीका है कि आपका एक कैमरा मैन और रिपोर्टर इस तरह से हमारे दफातर के अंदर घुसाएं। मलिक रियाज के खिलाफ करप्शन के कई आरोप लगे, मामला अदालतों तक भी पहुंचा, लेकिन मलिक रियाज को पाकिस्तान में ऐसा जादुई चिराग कहा जाता है जिससे वहां के नेता अपने मन की मुराद मांगते हैं और वो तुरंत पूरी भी हो जाती है। मलिक रियाज पाकिस्तान का एक बिजनेस टाइकून है जिसकी प्राइवेट रियल एस्टेट कंपनी एशिया में सबसे बड़ी कंपनी कही जाती है। एक अनुमान के मुताबिक उसकी कुल संपत्ति $1.5 बिलियन से ज्यादा है। हालांकि ज्यादातर पाकिस्तानी मानते हैं कि मलिक रियाज इससे कहीं ज्यादा धनी है। यही वजह है कि 80 के दशक का एक छोटा ठेकेदार आज रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक सबको अपनी कठपुतली बनाए हुए है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन ये आप रोक नहीं सकते। ये जो बहरिया टाउन है या मलिक रियाज साहब हैं, ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। जिस तरह इनका एक मशहूर कॉल है जनाब, ये कहते हैं कि मैं अपनी फाइलों को पहिए लगा देता हूं, तो पहिए ये लगाते रहते हैं और उनके मामला चलते रहते हैं। हर एक को वो दोस्त रखते हैं,
साफियों को भी, सबको, और इसी तरह से उनके काम रुकते भी नहीं है। मतलब हर सतह पर हर तरह का बंदा, मैंने आपको बता दिया, फाइलों को पहिए लगाते हैं। तो अब इसमें भी शायद कोई पहिए लग जाएंगे और ये मामला भी शायद आने वाले दिनों में दब जाएगा। पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन मलिक रियाज जैसे लोग हमेशा मौजूद रहे हैं। बहरिया टाउन में हंगामा और आगजनी का मुद्दा अगले कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाएगा, सवाल पूछने वाले लोग खामोश हो जाएंगे और तब मलिक रियाज और पाकिस्तान के बड़े नेता सेटिंग कर लेंगे। कप्तान साहब पहले भी कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाए और आवाम को आगे भी इमरान से कोई उम्मीद नहीं है। सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।